तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के इंसिडेंट के बाद टोनी स्टार्क काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाएगा और वो थैनोस को हराने के लिए कुछ भी करेगा ताकि वो उससे इन्फिनिटी स्टोन हासिल करके सारी चीज़ रिवर्स कर सके, जिससे कि पीटर पार्कर और बाकी सुपर हीरोज वापस आ जाए आधी दुनिया के साथ। तो वो कैसे करेगा? इसके लिए उसे एक ऐसी ताकत चाहिए जो इन्फिनिटी स्टोन को बेयर कर सके, क्योंकि इन्फिनिटी गॉन्टलेट तो ऑलरेडी डैमेज हो गया है और उसे फिर से यूज़ किया नहीं जा सकता। और थैनोस से इन्फिनिटी स्टोन लेना भी लगभग नामुमकिन है। तो ऐसा क्या होगा जिससे टोनी स्टार्क थैनोस को हरा सके और सारी चीज़ें रिवर्स कर सके? ये चीज़ सामने आई है एक फैन थ्योरी में, जो कि बताती है कि कैसे टोनी स्टार्क इन्फिनिटी स्टोन लेके सारी चीज़ नॉर्मल कर देगा। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं थोड़ा डिटेल में। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, टोनी स्टार्क को हर चीज़ अपडेट करने की आदत है और ऐसे कुछ अपडेट दिखेगा हमें एवेंजर्स 4 में। और एक फैन थ्योरी के अकॉर्डिंग टोनी स्टार्क एक ऐसा सूट बनाएगा जो सारे इन्फिनिटी स्टोन को यूज़ करने की कैपेबिलिटी रखता हो, उसको वील्ड करने की भी, उसको यूज़ करने के भी। लेकिन अब बात ये आती है कि टोनी स्टार्क इन्फिनिटी स्टोन थैनोस से कैसे लेगा? तो फैन थ्योरी यहाँ पे आती है कि टोनी स्टार्क और बाकी एवेंजर्स मिलकर अलग अलग मल्टीवर्स में जाएंगे और इन्फिनिटी स्टोन कलेक्ट करके एक ऐसा आर्मर बनाएंगे जो थैनोस को हरा सके, जिसका नाम होगा थैनोस बस्टर आर्मर। अब होगा क्या, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में दो जगह इन्फिनिटी स्टोन देखने को मिलेंगे, एक थैनोस के पास और दूसरा आयरन मैन के पास। लेकिन ये आयरन मैन के इन्फिनिटी स्टोन अलग अलग मल्टीवर्स वर्जन आए होंगे जो कि थैनोस से लड़ने में आयरन मैन की हेल्प करेंगे। उसके बाद होगा क्या, हमें ज़बरदस्त लड़ाई देखने को मिलेगी थैनोस में, जिसके पास होगी इन्फिनिटी सॉर्ड और इन्फिनिटी गॉन्टलेट, जिसमें होंगे सारे के सारे इन्फिनिटी स्टोन्स, और थैनोस बस्टर जो कि टोनी स्टार्क पहना रहेगा उसमें भी होंगे 6 के 6 इन्फिनिटी स्टोन्स। एंड में क्या होगा, किसी तरह टोनी स्टार्क थैनोस से उस यूनिवर्स का जो कि है अर्थ 616 यूनिवर्स के इन्फिनिटी गॉन्टलेट ले लेगा और किसी तरह सारे स्नैप को रिवर्स करके बाकी बचे हुए एवेंजर्स और आधी की आधी यूनिवर्स को वापस ले आएगा। उसके बाद जैसे ही थैनोस के पास से इन्फिनिटी गॉन्टलेट हट जाएगा, कैप्टन मार्वल थैनोस को हरा देगी और सारी चीज़ नॉर्मल हो जाएगी। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक फैन थ्योरी थी जो ये बताती कि कैसे आयरन मैन थैनोस बस्टर बनाएगा और थैनोस बस्टर में क्या क्वालिटी होगी। तो सबसे बड़ी क्वालिटी थैनोस बस्टर में ये होगी कि वो 6 के 6 इन्फिनिटी स्टोन वील्ड करने की कैपेबिलिटीज रखता है। तो दोस्तों, आपको ये फैन थ्योरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।